हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, जिसका पेपर अच्छा गया वो तो बहुत खुश हो रहा होगा, लेकिन जो बच्चे जिसका पेपर थोड़ा डाउन गया वो उसके थोड़ी सी उदासी होगी। लेकिन बच्चों, हार कभी भी नहीं मानना, आगे आपका रास्ता खुद बनाना। ऐसा कोई किसी के पीछे लगने से कुछ नहीं होता, वो जिसका हो चुका है उसको और मेहनत करके और आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं उसको सब कुछ मिल गया है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर, अर्बन रूरल एसटी एससी ओबीसी जनरल सभी का करने वाले हैं, और मैं थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर भी करूंगा जिसमें ब्लॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ब्लॉक क्या है उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, उसके ऊपर कट ऑफ कैसे ऊपर नीचे हो जाता है उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा डिस्कशन मिलेगा यहाँ पर कि जो जनरल कैटेगरी बच्चों, जो जनरल कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ होता है ना, इसके अराउंड जाता ही जाता है, इसके अराउंड जाता ही जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। इससे थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जनरल वालों का थोड़ा सा ना, थोड़ा सा रिस्क मामला हो सकता है, ठीक है, जनरल वालों का। लेकिन जिस बात की बात करूं, मैं ब्लॉक की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर ब्लॉक की यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हर ब्लॉक का कंडीशन अलग अलग होता है। यानी कि जिस जिले की बात करते हैं, जिले में अगर जिस जिले में दो स्कूल हो रहे हैं वहां पर ब्लॉक बढ़ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। मान लो छह ब्लॉक थे तो तीन तीन हो गए, तो तीन तीन ब्लॉक होने से क्या फर्क पड़ जाएगा कि आपकी सीटें ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कहीं पर एक स्कूल है वहां पर छह ब्लॉक होंगे तो छह के छह में सीटें बटेगी। अब हो सकता है किसी के ब्लॉक में ज्यादा सीटें हो, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे इधर का जो ब्लॉक है वहां पर 10,000 फॉर्म भराते हैं और एक ही स्कूल है, और एक ब्लॉक के अंदर आराम से आपको मान के चलिए 6 या 7 सीटें मिलती है, उसके अंदर कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है। लेकिन जिधर सीटें अगर ज्यादा हो, मान लो 20 से ज्यादा सीटें हो, तो कट ऑफ डाउन हो गया होगा उस एरिया का। और अगर ऊपर से सीटें भी कम हो, मान लो ब्लॉक में स्कूल भी दो है, ठीक है, फॉर्म भी कम भराते हैं, सीटें ज्यादा मिल रही, तो कट ऑफ जाएगा नीचे। तो वहां पर के बच्चे ऐसा ना सोचे उनका कट ऑफ भी यही होगा, उनका डाउन हो सकता है। ये हाईएस्ट नंबर है, इससे ज्यादा का तो नहीं होगा, इससे कम होगा तो हो सकता है ब्लॉक वाइज देखा जाए तो। तो ब्लॉक का ध्यान रखिएगा, ब्लॉक का ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए 87 ओबीसी की बात करें यहाँ पे, तो 87 टू 93 अर्बन के अंदर और रूरल के अंदर क्या हो जाएगा 84 टू 89, ये हाईएस्ट है। इससे नीचे होगा तो भी हो सकता है, इसके ऊपर वाला होगा तो होता ही होता है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, नीचे का भी हो सकता है, ब्लॉक पे डिपेंड करता है। जो ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पे, विकासखंड जिसको बोलते हैं, विकासखंड ब्लॉक को बोलेंगे, विकासखंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, विकास खंड की बात हो रही है, यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है। अब एसटी और एससी की बात करें, इनका लगभग अराउंड सेम जाता है। एक बच्चा था जो एसटी में था, उसका 78 पे भी हुआ था पिछले साल हमारे इधर, जबकि इधर कट ऑफ बहुत हाई जाता है, उसका 78 पे भी हो गया क्योंकि पेपर टफ था, बच्चे नहीं बना पाए सब बच्चे। उसने सेकेंड रैंक किया था एसटी एसटी के अंदर, सोच लीजिए सेकेंड रैंक किया था पूरे 80 बच्चों में। तो ऊपर नीचे होता रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो टॉपर है वही निकलता, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आधे आधे जनों को समझ में नहीं आता भाई ये ले कैसे रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और एससी का हो जाएगा अराउंड के, चलिए यहाँ पर 72-75 प्लस के अराउंड भी हो जाता है। लेकिन ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये जो मैंने नंबर लिखे है ना, ये हाईएस्ट नंबर है, मतलब ये नंबर आ रहे मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है, ये नंबर आया मतलब क्या हो जाएगा, पक्का सिलेक्शन पक्का। या आप इसको लिख के ले लीजिए, आप उसको ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का। मैंने पॉइंट हटा दिए सारे, जो ऊपर पॉइंट 2-5 पॉइंट आते हैं वो मैंने पॉइंट डाले ही नहीं है ना। तो ये कम से कम मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम नंबर है, आप यहाँ तक पहुंच रहे मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। इससे नीचे होंगे तो भी संभावना होगी, डिपेंड ब्लॉक के अनुसार, ठीक है, ब्लॉक में कितने फॉर्म भराए गए हैं, सीटें कितनी है, कितने स्कूल के अनुसार बटेंगे, तो वहां पर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी चीजें, अगर आपके इधर समझ में आया हो चीजें, आपको ये सब चीजें, तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम आगे भी चीजों को लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, या फिर आपके आने वाले नवदे की अपडेशन के लिए। तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, धन्यवाद।